गाइस, तो मुझे मिल गया है काफ़ी ढूंढने के बाद अम्मी हलीमा वाला गिफ्ट, और ये जो उन्होंने मुझे गिफ्ट किया था, बहुत बहुत शुक्रिया उनके प्यार का। ये उन्होंने बहुत ही खूबसूरत शॉल मुझे गिफ्ट की थी, जे डॉट की। ये देखिए इतनी प्यारी शॉल है और बड़ा प्यारा कलर है, मेरे पहले था भी नहीं। ये शॉल उन्होंने मुझे जे डॉट की गिफ्ट की है, ये मुझे बहुत पसंद है। थैंक यू उनके प्यार का, बहुत शुक्रिया कि वो मेरे लिए लेके आए। ये जो किसी वाली शॉल है, मैंने सोची ये भी मैं आपको दिखा दूँ। ये मैंने शॉपिंग की थी अचानक वाली शॉपिंग, ऐसे ही हम लोग चले गए तो मुझे ये अच्छी लगी है। देखें, ये मैंने ली है जनाब केसरिया की शॉल, बहुत प्यारी शॉल है। और भी थी काफ़ी हैवी एम्ब्रॉयडरी वाली, लेकिन मेरे से वो कैरी नहीं होने थी, क्योंकि तो मुझे शॉल कैरी करना बड़ा मुश्किल लगता है। बहुत प्यारी एम्ब्रॉयडरी केसरिया की। ओके जी, और ये हैं बचपन की यादें। ये चिड़िया हम बहुत देखते थे, तो मैंने आपके साथ भी शेयर कर दी ये वाला क्लिप। हेलो गाइस, मैं ये चिड़ियाँ देख रही थी और हैरान हो रही थी, क्योंकि ये काफ़ी अरसे बाद नज़र आई हैं। पहले ये चिड़े और चिड़ियाँ बहुत होती थी, और मैं बैठी थी कुछ दिन पहले सोच रही थी कि अब तो ये नज़र ही नहीं आती और इनकी तादाद बहुत कम होगी। पहले तो अक्सर शाम को घरों में ये होती थी, और आज भी माशाल्लाह यहाँ पर काफ़ी आई हुई हैं। और ये यहाँ पर है मेरे कबूतरों के दाने पड़े हुए, जिनको ना खा रही हैं, तो मैं काफ़ी दूर से ये वीडियो बना रही हूँ। हेलो जी, तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे। तो आज का जो मेरा व्लॉग है, ये हमारी थी जी वन डिश पार्टी। तो हम फ्रेंड्स क्योंकि रह नहीं सकती, हम लोगों ने किचन में हल्ला गुल्ला कर लिया और आपस में लड़ झगड़ भी लिया। और अम्मी हलीमा का किचन जो है, उन्होंने हमें गिफ्ट्स दिए, तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो आप हमारी लाइव चिट चैट। ये कौन सी स्वीट डिश है, नाम बताएं? बटरस्कॉच पुडिंग। तो गाइज, ये बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की डिशेस थी जो मेरी फ्रेंड्स बना के लाई थी, और ये मेरी फ्रेंड बना रही है ब्रेड के साथ ज़बरदस्त किस्म की, कोई बहुत ही मज़े की थी जो भी थी। और साथ में ये मैक्रोनी थी, फ्रूट चाट थी जो सना जी बना के लाई थी, और साथ ही इसके था। ये तुमने ना मुझे गार्लिक वाले की रेसिपी बतानी है, गार्लिक फ्राइज। जो प्लास्टिक का डब्बा था, मन जेल का दारा था ज़ारा, तुम्हारी मैंने बड़ी मजा की बना लिया, रन करना मत। सना क्या हो गया? व्हाट हैपेंड सना? सना आप क्यों परेशान है? सनास सनास किचन तुम क्या लेके आई हो यार? केएनएनस लाई है, क्या होगा? केएनएनस की लेके आई है भाई, आप खुद आ जाओ। मुझे का केएनएनस में बच्चों को खिलाऊंगी बाद में। तुम वो के बाद अरे चाय के साथ रखेगी है ना? अभी चांद आई है साहब यार, वो बेचारी इतना कुछ बोला है, ये गैस है नहीं, वो तलने के लिए बोतलों के साथ है। मम्मी ये किचन सब लोग खाई जाने बोल आई है। ये मेरी फ्रेंड्स बना के लाई थी, और ये मेरी फ्रेंड बना रही है ब्रेड के साथ ज़बरदस्त किस्म की, कोई बहुत ही मज़े की थी जो भी थी। और साथ में ये मैक्रोनी थी, फ्रूट चाट थी जो सना जी बना के लाई थी, और साथ ही इसके था। ये तुमने ना मुझे गार्लिक वाले की रेसिपी बतानी है, गार्लिक फ्राइज। प्लास्टिक का डब्बा था मन जेल का दारा ज़ारा, तुम्हारी मैंने उन्होंने बड़ी मजा की बना लिया, रन करना मत। सना क्या हो गया? व्हाट हैपेंड सना? सना आप क्यों परेशान है? सनास सनास किचन तुम क्या लेके आई हो यार? केएनएनस लाई है, क्या होगा? केएनएनस की लेके आई है भाई, आप खुद आ जाओ। मुझे का केएनएनस में बच्चों को खिलाऊंगी बाद में। तुम वो के बाद अरे चाय के साथ रखेगी है ना? अभी चांद आई है साहब यार, वो बेचारी इतना कुछ है नहीं, वो तलने के लिए बोतलों के साथ है। मम्मी ये किचन सब लोग खाई जाने बोल आई है। ना लगता है ना 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 बगैर नहीं तू सब साड़ी की तो एंजॉय कर रहे हो। अब मास्कारा चाहिए, कितनी मजे की शक्ल है। आपको चिकन ज़ारा से यार मेरे लिए बना दी। हाँ हाँ, गरम हो रहा, गरम हो रहा। ओके गाइस, तो पार्टी बहुत मज़े की थी, वॉइस ओवर मुझे बहुत मुश्किल लगता है, और हमने बहुत इंजॉय किया था। और हमें अम्मी हलीमा का जो किचन है, उन्होंने हमें बहुत ज़बरदस्त शॉल्स दी थी, मैं अभी आपको वो भी दिखाती हूँ। हाँ
ये भी प्यारा कलर है उनके ना, उनके चीज करेगा उनके पास है तीन कलर साइमन कलर दिखाओ ये मेरे पास है कलर ये वाला साइमन देखा हुआ है कितना प्यारा कलर है इसके कौन से स्वीडिश है नाम बताए बटर स्कॉच ओके जी लोगों तो आपको ये छोटा सा व्लॉग पसंद आया होगा थैंक यू थैंक्स फॉर वॉचिंग दुआओं में याद रखें टेक केयर अल्लाह हाफिज़।